नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे HFCL के शेयर के लेटेस्ट न्यूज के बारे में और आज क्यों वॉल्यूम जंप हुई तीनों शेयरों में, HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल और HFCL और रेन इंडस्ट्रीज, ये तीनों टॉप के वॉल्यूम गेनर थे आज के ट्रेडिंग सेशंस में। तो इनके क्या क्यों क्या रिसेंट न्यूज रही, क्या टारगेट प्राइस होंगे और क्या स्टॉप लॉस होगा, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। और दोस्तों, अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करें। तो चर्चा की शुरुआत में बता दें दोस्तों, रेन इंडस्ट्रीज़ के वॉल्यूम जंप के पीछे बड़ी वजह यही है कि रेन इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट आने वाला है और वो 29 अप्रैल को आने वाला है और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज कह सकते हैं रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए और आगे चल के ये शेयर और भी जंप होने के चांसेस हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट किया करें, तो डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। तो आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं आपको कि HFCL का NSE पे डेटा क्या कह रहा है। HFCL का जो रिजल्ट के बाद बना था पीक लगभग 34 रुपये का बना था और तब से कंसोलिडेट कर रहा है लगातार और लगभग एक रेंज बाउंड है 24 रुपये से लेके 28 रुपये के आसपास। आज 28 रुपये को प्रिसाइसली ब्रेकआउट किया है तो डेफिनेटली यहाँ से कह सकते हैं कि 24 का ही एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगाइए और ऊपर का लेवल बहुत जल्द हम इसमें 35 रुपये तक देख सकते हैं टिल रिजल्ट भी नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आने की संभावना है। तो करेंटली जो डिलीवरी परसेंटेज वो 40% के आसपास डिलीवरी है, तो जिसके पास होल्ड करें या फ्रेश बाइंग करें तो 26-27 रुपये के आसपास फ्रेश बाइंग करी जा सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है इस शेयर में। दूसरा दोस्तों, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का भी देखिए तो प्रमोटर ने लगातार बाइंग करी और ख़ास बात यह दोस्तों कि HFCL और HSCL दोनों में प्रमोटर ने अपर लेवल पे बाइंग करी हुई है और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में लगभग 45-48 रुपये के बीच में प्रमोटर ने होल्डिंग बाई करी है अभी रिसेंट में। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो 38% की डिलीवरी एक अच्छी डिलीवरी निकल के आ रही है और शेयर काफ़ी अपने 52 वीक लो के काफ़ी करीब है, तो काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो 37 का एक नीचे का साइड बॉटम है और 52 वीक हाई 63 को। यहाँ से देखिए दोस्तों, रेन इंडस्ट्रीज़ के 52 वीक हाई के ही करीब है, आज ही उसने हाई लगाया 179 का, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम जंप हो रहे हैं और रिजल्ट भी का बहुत ही अच्छा जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में देखिए दोस्तों, तो रेन इंडस्ट्रीज़ का जो वॉल्यूम है आज लगभग 9% के करीब जंप हो गया BSE के ट्रेडिंग सेशन में और जो वॉल्यूम में जंप है लगभग कह सकते हैं कि 2-fold वॉल्यूम आए, 15.6 मिलियन इक्विटी शेयर्स का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो काफ़ी बल्क डील देखने को मिली है इसमें। और साथ ही दोस्तों, दूसरा जो शेयर था हमारा हिमाद्री HFCL पर, तो HFCL पे भी काफ़ी ज़्यादा आप देखिए तो वॉल्यूम का गेन देखने को मिला है। तो रेन इंडस्ट्रीज और HFCL में भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा और 10-11% के करीब था, करेंटली जो क्लोज हुआ वो 13% के आसपास जंप हुआ है। तो एवरेज वॉल्यूम जो है 7.1 लाख शेयर थे और आज 13.53 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, तो डेफिनेटली कह सकते हैं डबल वॉल्यूम की ट्रेडिंग हुई है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम तीसरा शेयर बात कर रहे हैं HSCL का, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का, तो उसमें भी आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में जंप देखने को मिला है, लगभग कह सकते हैं कि 3 करोड़ शेयर्स बाई और सेल मिला के हुए हैं। HFCL में लगभग 4.5 करोड़ के बाई और सेल मिला के हुए हैं और रेन इंडस्ट्रीज़ में लगभग यहाँ से कहते 3.5 करोड़ के आसपास बाई और सेल हुए हैं। तो तीनों ही बिगेस्ट वॉल्यूम गेनर थे। तो अगर हम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 3 मंथ की एनालिसिस करके दिखाते हैं HFCL की। तो HFCL में देखिए एग्जैक्टली 24 रुपीज़ के आसपास इसने रिवर्सल दे दिया
और यहाँ से इसका देखिए और जो हाई जा सकता है वो लगभग 31 से 32 रुपये, तो करंटली 27 रुपये के आसपास है। अगर यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर ले 27 के आसपास, 24 का एक छोटा सा स्टॉप लगाइए 3 रुपये का, और ऊपर का लेवल अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली ये शेयर 32-33 रुपये तक जा सकता है। यानी कि नीचे का जो रिस्क रिवॉर्ड है, रिजल्ट के बाद रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है, तो यहाँ से रिजल्ट से पहले इसमें कम से कम नहीं तो 3-4 रुपये का जंप देखने को मिल सकता है, जो कि करंट लेवल पे 15-20% का रिटर्न हो सकता है। बशर्ते दोस्तों आपको स्टॉप लॉस 3 रुपये लगाना है और ऊपर के लेवल 5 रुपये तक के टारगेट यानी कि 32 रुपये तक जा सकता है। तो ये थी दोस्तों शॉर्ट टर्म इसके एनालिसिस नाउ, और ये मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब खड़ा हुआ है, और मूविंग एवरेज इसका 27 का, तो आज इसने ब्रीच आउट किया तो डेफिनेटली इसमें बने रहा जा सकता है या फ्रेश बाइंग भी किया सकता है। दूसरा दोस्तों HSCL है, इसका भी मूविंग एवरेज के काफ़ी पास है और मूविंग एवरेज के पास ही क्लोज किया है इसने, और 50-day मूविंग एवरेज के पास, तो इसमें भी जो लोअर लेवल तक रिस्क है वो लगभग 41.50 रुपये तक का रिस्क नज़र आ रहा है, जो बॉटम का जोन है लगभग 41 रुपये के आसपास है, और अपर साइड ये शेयर लगभग 50-52 रुपये तक आराम से जा सकता है। यानी इसमें भी 3 रुपये का एक स्टॉप लॉस सजेस्टेड है, और 3 रुपये के स्टॉप लॉस है, आज देखिए वॉल्यूम का जंप देखने को मिला है, पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से आज वॉल्यूम हाईएस्ट रहे हैं, तो लगभग कह सकते हैं कि यहाँ से 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के 6 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 50 रुपये तक जा सकता है ये शेयर, रिजल्ट इसके भी अच्छे आने की उम्मीद है। तीसरा दोस्तों जो शेयर है वो है रेन इंडस्ट्रीज़ का, तो रेन इंडस्ट्री लगातार अप ट्रेंड में है, और यहाँ से मूविंग एवरेज की लाइन 161 की है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा इसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा, इस शेयर में हमेशा अप ट्रेंड बने रहेंगे, और जैसे ही रिजल्ट आने वाला है 29th को, तो 2-3 दिनों के लिए ये एक बेस्ट पिक हो सकती है दोस्तों। यहाँ से जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2-3 दिनों के लिए, वो लगभग 160 के आसपास नज़र आता है स्टॉप लॉस, 160 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लेवल 190 तक, 180, 185 तक ये शेयर जा सकता है, 185 तक के लेवल 2-3 दिनों में आ सकते हैं इस शेयर में। हालांकि लॉन्ग टर्म का अगर किसी का नज़रिया है या पोजिशनल लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए उसके बाद ही फ्रेश बाइंग करें, तो फिलहाल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस रेन इंडस्ट्रीज के शेयर को रख सकते हैं, और HFCL और HSCL दोनों को आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म पोजिशनल यानी 2-3 महीने के लिए रख सकते हैं, तो ये शेयर 20-25% का रिटर्न दे सकते हैं 2-3 महीने में। तो ये थे दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई है, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।